असलम कैसे आप लोग को मीट करता हूँ ठीक ठाक होंगे तो वेलकम एजुकेशन न्यूज़ चैनल में दिस इज द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी इस पर इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट वेट गुड स्कोर इन फर्स्ट ईयर बॉटनी अच्छा जी सबसे पहले यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कुछ रीजन टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बॉटनी के अंदर वैसे तो जोजी के अंदर ही मोस्ट ऑफ दीज आपके ज्यादा रीजनज आते हैं क्योंकि उसमें रीजन और नॉन रीजन का होता है बट बॉटनी के अंदर भी जो होता है वो आपके रीजनस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अब रीजन क्वेश्चन के ऑब्वियसली बात है आपको पता है कि भाई चैप्टर्स आप लोगों के पाँच छे हैं अम इनमें से जो है आप लोग के पास ये कुछ क्वेश्चन है कुछ नेमिंग क्वेश्चन भी आपके पेपर्स में इंक्लूडेड है जैसे कि आप नेमिंग क्वेश्चन है जैसे कि भाई नेम एनी फोर डिजीजेज कॉज बाय वायरस ठीक है कोई कम्पोजिशन बता दें साइट के ऊपर ठीक है इस तरीके से या फिर आप रोल बता दें नाइट्रोजन एंड पोटेशियम पोटाशियम प्लांट्स में ठीक है ए का मतलब ये जो है रोल बता दें एनर्जी करेंसीज के ऊपर ठीक है उसके बाद जो है बैक्टीरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके देख लीजिएगा बैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया की जो जो चीज़ें बैक्टीरिया फंजाई फंजाइया दो जो 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 ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जामनेशन में आपके इंक्लूडेड है ठीक है Uh, और किंगडम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उनको काफ़ी मतलब ये तीन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया इनके रिलेटेड तो लाजमी लाजमी देख लीजिएगा जैसे बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला ठीक है ये आप देख लो उसके बाद जो है आपके पास थ्री स्टोरेज डिजीज आपने नाम बताने नेमिंग क्वेश्चन आपके जो है वो है ठीक है उसके बाद जो है फ्यू ऑफ प्लांट लैंड ये आपके पास हो गया रोल हो गया डेफिशिएंसी आपके पास सिंटम्स ऑफ पोटेशियम एंड जिंक फिर उसके बाद किंगडम फंजाई जो है ये आप मैंने आपको बताया ये देख लीजिएगा आप साइंटिफिक नेम्स देख लीजिएगा प्लांट स्पीशीज की जैसे कि मैंने मैं आपको दे दिया है उलटी राइसाओ और फिर उसके बाद मस्टर्ड ये सारी ठीक है एक क्वेश्चन ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वाई इसेक्टिवर्स ए प्लान्टूज इन्सेक्ट एज फूड ठीक है उसके बाद जो है आपके फ्लो आप चार्ट बनाने आ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट ठीक है फिर फिर जाएगा आपके नेमिंग ग्रुप्स करने आ सकते हैं बैक्टीरिया के बारे में आपको बोला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन बैक्टीरिया डिस्क्राइब द क्लासीफिकेशन ऑफ बैक्टरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स एंड डिस्क्राइब द ठीक है कुछ डेफिनेशन को देख लीजिएगा उसके बाद कॉम्पोनेट्स देख लें ठीक है नोट्स हैं पेपर्स में आपके नोट्स आते हैं बुक के अंदर बहुत सारे आपके शॉर्ट नोट्स हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इनको देखिए फर्मेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिएगा फर्मेंटेशन और एविलिशन ऑफ लीफ के ऊपर जो है वो तो देख लीजिएगा क्रोमोसोम्स देख लीजिएगा कुछ डायग्राम्स हैं इन्हें भी देख लीजिएगा पेपर्स में डायग्राम्स भी इंक्लूडेड है अच्छे तरीके से आप डायग्राम सुनाएगा कि मैंने कुछ दे दी डायग्राम्स इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ठीक है उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्वियसली बात है बॉटनी है तो सारे रीजन क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है कुछ आपके थ्योरटिकल क्वेश्चन भी आएंगे ठीक है तो ये कुछ आपके थियोरटिकल क्वेश्चन है जैसे कि भाई क्लासमेट हो गया सिग्निफिकेंस हो गया ठीक है जेनोमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके बाद जो है आपके पास फीचर ऑफ अंजाय हो गया ठीक है तो इस बाकी जो है फर्टिलाइजेशन जो हो रही है एग्नोसफर्म जिसको आप क्यों कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है तो बाकी आपके पास कुछ हो होगा इन डिफरेंसेस को देख लीजिएगा ये अब आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके अंदर आपके लाइफ साइकिल है मॉस फर्न और फिर आपके पास एग्नोसफर्म फर्म की ठीक है एन जी की आपके पास जो है ये आपकी लाइफ साइकिल्स है आपने ये करना है उसके बाद फिर आपके ब्रेक डाउन प्रोसेस बताना है ग्लूकोज की ठीक है फ्लो चार्ट के साथ उसके बाद आपने जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बताना है ठीक है ऑफ फोटो डिटेल के अंदर फिर आपने स्ट्रक्चर और शेप्स बताने बैक्टीरिया का ठीक है उसके बाद फिर आपने जो है मॉसमो रेगुलेशन को करके आपने डिफाइन करना है फिर आपने क्लासिफिकेशन प्लांट्स की बतानी है ठीक है बैक्टीरियाज क्या होते हैं ठीक है आपने उसके स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया सेल्स बताने हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम अच्छा ये जो बेसिकली बैक्टीरिया का मैंने दो दफा क्वेश्चंस दे दिया है आपको एक स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया विद अ वेल लेबल डायग्राम और एक और मैंने डिफाइन बैक्टीरिया दे है इसको कट आउट कर दीजिएगा एक दफ़ा मतलब ये जो है ये ठीक है बाकी आपके पास लाइटिक और ये आपके पास जो है बैक्टीरियोफेज जो है वो आपके पास है ठीक है ऑलरेडी अगर आप बना लोगे तो आप ऊपर जो है आपको मैंने ऑलरेडी लाइटिक साइकिल्स दी हुई हैं ठीक है बैक्टीरियोफेज वायरस की तो जब इधर भी आपको डिस्क्राइब भी करना है तो डायग्राम आप ऑटोमेटिकली बनाओगे तो एक चीज़ आपका निकल चुका होगा ठीक है तो ये थोड़ा सा आप लोगों का जो है ये पेपर है उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा ठीक है इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होऊंगा तब तक के लिए लाफिस और बेसिकली इसका जो आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट है वो इंशाल्लाह जो, जो, जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स को अभी दिया हुआ है करने के लिए ग्रैंड टेस्ट ठीक है ग्रैंड टेस्ट जैसे हो जाता है मैं आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा अपने फेसबुक पेज प्राइच एजुकेशन न्यूज पे या या तो फिर आपको कम्युनिटी टैब के ऊपर यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरा ग्रैंड टेस्ट ठीक है एज़ यू ऑल नो ग्रैंड टेस्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्योंकि मैं आखिरी दिन लेता हूँ ग्रैंड टेस्ट फाइनल ग्रांडस्ट होता है वो ठीक है जस्ट फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा ठीक है तो इन फिर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ होऊंगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़